नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे फ्री ऑप्शंस ट्रेडिंग कोर्स के नेक्स्ट लेक्चर में। आज हम ऑप्शन चेन का एनालिसिस करना सीखने वाले हैं। ऑप्शन ट्रेडर्स के लिए ऑप्शन चेन एनालिसिस करना बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि इससे आपको ऐसी इन्फॉर्मेशन मिल सकती है जो कि आपको चार्ट्स को एनालाइज करने के बाद भी नहीं मिलेगी। और इसके बेसिस पर आप पहले ही पता कर सकते हैं कि एक स्टॉक में स्ट्रांग सपोर्ट कहाँ पर आएगा और स्ट्रांग रेजिस्टेंस उसे कहाँ पर देखने को मिलेगा। इसके साथ ही ऑप्शन चेन को एनालाइज करके आप मार्केट का व्यू भी जान सकते हैं, तो इसे पूरे ध्यान के साथ देखिएगा। लेकिन ध्यान रहे कि ये वीडियो सिर्फ एजुकेशनल पर्पसेस के लिए है, तो अगर आप ट्रेडिंग करते हैं तो अपने रिस्क पर करें और कभी भी लोन लेकर ट्रेडिंग ना करें, क्योंकि इससे आप बहुत बड़ी मुसीबत में पड़ सकते हैं। तो चलिए सबसे पहले समझते हैं कि ये ऑप्शन चेन होती क्या है। तो ऑप्शन चेन एक ऐसी चेन होती है जहां पर आपको सभी ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट्स की लिस्ट नजर आती है, और इसके साथ ही आप इसमें सभी पुट एंड कॉल ऑप्शंस का ओपन इंटरेस्ट, चेंज इन ओपन इंटरेस्ट, इंप्लाइड वॉलेटिलिटी, वॉल्यूम, बिड एंड आस्क प्राइस जैसी बहुत सारी इंफॉर्मेशन देख सकते हैं। मैं जानता हूं कि ये सब थ्योरी में समझा नहीं जा सकता, तो चलिए अब इसे प्रैक्टिकली देख लेते हैं और वहां पर ऑप्शन चेन को अच्छे से समझते हैं। तो ऑप्शन चेन को समझने के लिए आपको सबसे पहले समझना होगा कि आप ऑप्शन चेन देखेंगे कहां पर। तो इसके लिए आपको NSE इंडिया की वेबसाइट में जाना होगा। तो इसके लिए गूगल पे सर्च कीजिए NSE इंडिया, और जैसे ही आप NSE इंडिया लिखकर सर्च करेंगे तो आपको ये वेबसाइट नजर आएगी। आपने इस पर क्लिक कर देना है। अब जैसे ही आप इस पर क्लिक कर देते हैं तो इसके बाद जिस भी स्टॉक का आप ऑप्शन चेन देखना चाहते हैं या फिर जिस भी इंडेक्स की आप ऑप्शन चेन देखना चाहते हैं उसका नाम लिखकर आपने ऊपर सर्च कर देना है। तो जैसे अगर मान लो मैं निफ्टी की ऑप्शन चेन देखना चाहता हूं, तो मैंने यहां पर निफ्टी लिखकर सर्च कर देना है। तो जैसे ही यहां पर मैंने निफ्टी लिख के सर्च किया है तो यहां पर मुझे निफ्टी नजर आ रहा है, और जैसे ही मैंने निफ्टी पे क्लिक कर दिया है तो अब हमारे सामने निफ्टी से रिलेटेड बहुत सारी इन्फॉर्मेशन खुल चुकी है। अब इसके बगल में ही आपको ऑप्शन चेन का एक ऑप्शन देखने को मिल रहा है, तो आप इस पर क्लिक करके भी ऑप्शन चेन देख सकते हैं। वैसे दोस्तों, अगर आप बिल्कुल बेसिक से लेकर एडवांस तक का स्टॉक मार्केट सीखना चाहते हैं तो इसके ऊपर हमने एक 46 लेक्चर्स का कोर्स बना रखा है, जिसको आप हमारे ऐप नीरज जोशी में जाकर बाय कर सकते हैं। लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। तो देखिए, ऑप्शन चेन कुछ इस तरीके की नजर आती है। इसको अभी डिटेल में समझेंगे। पहले मैं आपको यह भी दिखा देता हूं कि अगर मान लीजिए आपने किसी पर्टिकुलर स्टॉक की ऑप्शन चेन देखनी है तो वो आप कैसे देख सकते हैं। ध्यान रखिए कि ऑप्शन चेन आप सिर्फ उन्हीं स्टॉक्स की देख सकते हैं जो कि डेरिवेटिव्स में ट्रेड होते हैं और जिनके जो ऑप्शंस हैं वो मार्केट में ट्रेड होते हैं, यानी जो बड़े बड़े स्टॉक्स हैं उन्हीं की ऑप्शन चेन आप देख पाएंगे। तो जैसे मान लीजिए अगर मुझे रिलायंस की ऑप्शन चेन देखनी है तो मैंने यहां पर रिलायंस इंडस्ट्रीज लिख के सर्च कर दिया। अब जैसे ही मैं रिलायंस इंडस्ट्रीज लिख के सर्च करूंगा तो यहां पर हमें बहुत सारे स्टॉक्स का डेटा देखने को मिलता है। तो यहीं पर आपको ऊपर एक डेरिवेटिव्स का ऑप्शन देखने को मिल रहा है, तो आपने उस पर क्लिक कर देना है। अब जैसे ही आप डेरिवेटिव्स पे क्लिक कर देंगे तो उसके बाद यहां पर आपको ऑप्शन चेन का ऑप्शन देखने को मिल जाएगा, और उसके बाद आप एक पर्टिकुलर स्टॉक की ऑप्शन चेन भी देख पाएंगे। तो इस तरीके से आप स्टॉक की ऑप्शन चेन देख सकते हैं, और निफ्टी की ऑप्शन चेन या बैंक निफ्टी की ऑप्शन चेन कैसे देखनी है वो भी मैंने आपको बता ही दिया है। तो अब हम वापस से आ गए हैं निफ्टी की ऑप्शन चेन पर। अब यहां पर सबसे पहले आप ऊपर देखिए तो यहां पर आपको एक डेट देखने को मिल रही है जो कि है 7 सितंबर 2023। तो ये वो डेट होती है जिसकी एक्सपायरी की ऑप्शन चेन हमें यहां पर देखने को मिल रही है, और ये वीकली एक्सपायरी है। अगर मान लीजिए आप नेक्स्ट वीक की एक्सपायरी की ऑप्शन चेन देखना चाहते हैं तो आपको नेक्स्ट वीक की जो डेट है उसको सेलेक्ट करना होगा, और इसके बाद मान लीजिए अगर आप मंथली एक्सपायरी देखना चाहते हैं तो मंथ के एंड में जो एक्सपायरी आपको देखने को मिल रही है आपने उसको सेलेक्ट कर देना होगा। तो अभी हम 7 सितंबर ही सेलेक्ट कर लेते हैं जो कि हमारी वीकली एक्सपायरी है, और यहां पर आपको स्ट्राइक प्राइस भी नजर आ रही है। आप चाहें तो किसी पर्टिकुलर स्ट्राइक प्राइस को भी यहां से सेलेक्ट कर सकते हैं। वैसे दोस्तों, ये तो आप जानते ही होंगे कि जो कुछ यहां पर हम आपको सिखा रहे हैं यही सब कुछ लोग पेड कोर्स बनाकर बेचते हैं। तो क्योंकि हम आपको ये सब फ्री में प्रोवाइड कर रहे हैं, तो इसके रिटर्न में हम आपसे बस इतना ही चाहते हैं कि आप इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर करें। हो सके तो अपने व्हाट्सएप स्टेटस और इंस्टाग्राम के स्टेटस में भी लगाएं, और अगर इंस्टाग्राम के स्टेटस पे लगाओगे तो मुझे टैग भी करना। तो हमारी जो ऑप्शन चेन है वो कुछ इस तरीके की नजर आती है। अब इसको ध्यान से देखिएगा क्योंकि यहां पर मैं आपको एक कंसेप्ट समझाने वाला हूं। तो देखिए, लेफ्ट वाली साइड में आपको जो भी डेटा देखने को मिल रहा है वो कॉल का डेटा है, और ऐसे ही राइट वाली साइड में आपको जो भी डेटा देखने को मिल रहा है वो पुट का डेटा है। ये कॉल क्या होता है, पुट क्या होता है, अगर मान लीजिए आपको इसके बारे में नहीं पता है तो हमने इससे पहले वाले जो लेक्चर्स हैं उनमें इसको अच्छे से क्लियर किया है, तो आप हमारे उन तीन लेक्चर्स को भी देख लीजिएगा।
पूरी प्लेलिस्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन पे दिया गया है। अब यहाँ पर मैं आपको एक पॉइंट क्लियर कर दूं कि यहाँ पर आपको जो भी डेटा देखने को मिलता है वो आपको ऑप्शन बायर नहीं बल्कि ऑप्शन सेलर के पर्सपेक्टिव से देखने को मिलता है। यानी यहाँ पर ये जो भी ओपन इंटरेस्ट क्रिएट हुआ है, चेंज इन ओपन इंटरेस्ट है, वॉल्यूम है, या जो भी डेटा यहाँ पर दिख रहा है वो आपको ऑप्शन सेलर के पर्सपेक्टिव से दिख रहा है। तो यहाँ पर आपके लिए ये समझना जरूरी है कि जो ऑप्शन सेलर है वो कॉल ऑप्शन को कब सेल करेगा और जो ऑप्शन सेलर है वो पुट ऑप्शन को कब सेल करेगा। तो इसके लिए पहले एक बार रिवाइज कर लेते हैं कि जो ऑप्शन बायर है वो कब बाय करता है। तो ऑप्शन बायर पुट ऑप्शन तब बाय करता है जब उसको लगता है कि मार्केट गिरेगा। तो अगर मान लीजिए ऑप्शन सेलर को लगता है कि मार्केट गिरेगा तो इस केस में वो पुट ऑप्शन को सेल नहीं करेगा, वो कॉल ऑप्शन को सेल करेगा। क्योंकि कॉल ऑप्शन वालों को क्या लग रहा है, उनको लग रहा है कि मार्केट बढ़ेगा, जबकि इसको लग रहा है कि मार्केट गिरेगा, तो वो कॉल ऑप्शन सेल करता है। और ऐसे ही अगर मान लीजिए ऑप्शन सेलर को लग रहा है कि मार्केट बढ़ेगा तो उस जगह पे वो कॉल ऑप्शन को सेल नहीं करेगा, उस जगह पर वो पुट ऑप्शन को सेल करेगा। तो इस बात को आपने ध्यान में रखना है कि ऑप्शन सेलर को जब लगता है कि मार्केट बढ़ेगा तो वो पुट ऑप्शन को सेल करता है, और जब ऑप्शन सेलर को लगता है कि मार्केट गिरेगा तब वो कॉल ऑप्शन को सेल करता है। अब सबसे पहला डेटा जो आपको यहाँ पर देखना होता है वो है ओपन इंटरेस्ट का डेटा। तो ये जो OI लिखा हुआ है ये है ओपन इंटरेस्ट हमारा कॉल का, और ऐसे ही सेम डेटा यहाँ पर आपको पुट का दिखाई दे रहा है। तो यहाँ पर पुट का ओपन इंटरेस्ट है और यहाँ पर कॉल का ओपन इंटरेस्ट है। तो सबसे पहले हमें ओपन इंटरेस्ट देखना है। अब ये ओपन इंटरेस्ट क्या होता है इसको मैं आपको एक एग्जाम्पल से समझाता हूँ। मान लो अगर आप एक ऑप्शन बाय करना चाहते हो तो इस केस में कोई ना कोई ऐसा व्यक्ति होगा जो उस ऑप्शन को सेल कर रहा होगा। तो जब कोई ऑप्शन सेल करता है और आप ऑप्शन बाय करते हैं तो उस जगह पर एक ओपन इंटरेस्ट क्रिएट होता है। यानी इसका मतलब है कि एक कॉन्ट्रैक्ट क्रिएट हो गया है। अब ऐसे ही जब हजारों और लाखों ट्रेडर्स मार्केट में ट्रेड करते हैं तो फिर वहां पर हजारों और लाखों में ओपन इंटरेस्ट क्रिएट होता है। तो सिंपली कहें तो ओपन इंटरेस्ट एक नंबर है जो बताता है कि कितने फ्यूचर्स और ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट अभी आउटस्टैंडिंग या कहें कि ओपन है मार्केट में। तो ये होता है ओपन इंटरेस्ट। यानी यहाँ पर जितने भी ओपन इंटरेस्ट क्रिएट हुए हुए आपको दिख रहे हैं वो सभी ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट हैं जो कि किसी ऑप्शन सेलर ने किसी ऑप्शन बायर को बेचे हैं। अब अगर आपने हमारा पिछला लेक्चर देखा होगा तो मैंने आपको बताया था कि अगर आप मान लीजिए कोई ऑप्शन बाय करना चाहते हैं तो वहां पर आप 5,000 से 7,000 रुपए देकर भी एक ऑप्शन बाय कर सकते हैं। लेकिन अगर मान लीजिए आप एक ऑप्शन सेल करना चाहते हैं तो वहां पर आपको कम से कम 1 से 1.5 लाख रुपए की जरूरत होती है एक ऑप्शन को सेल करने के लिए। यानी यहां पर जो ऑप्शन सेलर है वो बहुत ज्यादा पैसे इन्वेस्ट कर रहा है ऑप्शन बायर के कंपैरिजन में। तो जनरली जो ऑप्शन सेलर्स होते हैं, वैसे आप भी कर सकते हैं, लेकिन ज्यादातर जो ऑप्शन सेलर होते हैं वो बड़े बड़े इंस्टीट्यूशंस होते हैं जिनके पास बहुत ज्यादा कैपिटल होती है, और इसके साथ ही जिनके पास बहुत ज्यादा रिसर्च करने वाले लोग होते हैं और जिनके पास बहुत ही ज्यादा एक्यूरेट सॉफ्टवेयर्स होते हैं। इसके साथ ही जो ऑप्शन सेलर है वो रिस्क भी ज्यादा ले रहा है, इसलिए ये माना जाता है कि जो ऑप्शन सेलर है वो बहुत ज्यादा रिसर्च करने के बाद ही ऑप्शन सेल कर रहा है, इसलिए उसके सही होने के चांसेस ज्यादा होते हैं। और मैंने आपको पिछले लेक्चर्स में भी बताया है कि 67% चांसेस होते हैं कि ऑप्शन सेलर को प्रॉफिट होगा और सिर्फ 33% चांसेस होते हैं कि ऑप्शन बायर को प्रॉफिट होगा। तो जब हमें पता है कि ऑप्शन सेलर को प्रॉफिट होने के चांसेस ज्यादा हैं तो हमें उसी डायरेक्शन में काम करना चाहिए जिस डायरेक्शन में ऑप्शन सेलर्स मार्केट को ले जाना चाह रहे हैं। तो जब भी आप ऑप्शन चेन खोलते हैं तो यहां पर सबसे पहली चीज जो आपको देखनी होती है वो होता है ओपन इंटरेस्ट। और इसमें भी आपको देखना होता है कि सबसे ज्यादा जो ओपन इंटरेस्ट है वो कौन सी स्ट्राइक प्राइस पे क्रिएट हुआ है। तो यहां पर आप देख सकते हैं कि जो हमारा 19,500 का कॉल ऑप्शन है इसमें 1,33,055 ओपन इंटरेस्ट क्रिएट किए गए हैं कॉल की साइड में, और जबकि इसके कंपैरिजन में अगर हम पुट की साइड में देखें तो यहां पर सिर्फ 51,266 ओपन इंटरेस्ट है। तो यहां पर क्योंकि कॉल में भी अच्छा खासा OI क्रिएट हुआ है और पुट में भी अच्छा खासा OI क्रिएट हुआ है तो यहां पर हम कोई कंक्लूजन में नहीं पहुंच सकते। लेकिन इसके बाद जो 19,600 का कॉल ऑप्शन है इसमें आप देख सकते हैं कि यहां पर 1,36,070 ओपन इंटरेस्ट क्रिएट हुआ है, जबकि इसके कंपैरिजन में जो पुट वाली साइड है वहां पर सिर्फ 12,706 ओपन इंटरेस्ट ही क्रिएट हुए हैं। यानी यहां पर जो कॉल एंड पुट में ओपन इंटरेस्ट का डिफरेंस है वो बहुत ज्यादा है। तो अगर ऑप्शन सेलर्स
यहाँ पर 136,000 से भी ज्यादा ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट सेल कर रहे हैं, तो इसका सीधा सीधा मतलब है कि उन्हें लगता है कि मार्केट इससे ज्यादा नहीं बढ़ पाएगा, क्योंकि अगर उन्हें लगता कि मार्केट इससे ज्यादा बढ़ पाएगा तो फिर वो पुट सेल करते, वो कॉल सेल नहीं करते। वो कॉल बाय कब करते हैं? जब उन्हें लगता है कि मार्केट बढ़ेगा, और सेल कब करते हैं? जब उन्हें लगता है कि मार्केट गिरेगा। तो क्योंकि ऑप्शन सेलर्स ने यहाँ पर बहुत ज्यादा ओपन इंटरेस्ट क्रिएट किया है, तो इसका मतलब है कि ये जो 19,600 है, ये हमारे लिए एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस की तरह काम करेगा। यानी इस तरीके से हमने हमारा एक रेजिस्टेंस लेवल पता कर लिया है। अब ऐसे ही अगर हम पुट वाली साइड में देखें, तो यहाँ पर सबसे ज्यादा जो हमें ओपन इंटरेस्ट देखने को मिल रहा है वो पहले 1,17,000 पे देखने को मिल रहा है, लेकिन इसके बाद ये जो 19,300 का लेवल है, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इस जगह पर 1,87,302 का ओपन इंटरेस्ट क्रिएट किया गया है, जबकि इसके कंपैरिजन में पुट वाली साइड में सिर्फ 38,000 का ही ओपन इंटरेस्ट क्रिएट हुआ है। तो इसका मतलब है कि सेलर्स यहाँ पर बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंट हैं कि मार्केट इससे ज्यादा नीचे नहीं गिरेगा, तो इसलिए ये जो 19,300 है ये हमारे लिए एक सपोर्ट की तरह काम करेगा। तो यहाँ पर ओपन इंटरेस्ट को देखकर हमें सबसे पहली चीज क्या पता चली है, यहाँ पर हमें सबसे पहली चीज पता चली है सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के लेवल कैसे निकाले जाते हैं। अब अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रही है और आपको कुछ नया सीखने को मिल रहा है, तो इस वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा, और जब इस वीडियो में 10,000 लाइक आएंगे उसके बाद ही हम नेक्स्ट पार्ट अपलोड करेंगे, तो इस वीडियो को आपने जरूर लाइक करना है। तो अब आप खुद भी इस तरीके से सपोर्ट और रेजिस्टेंस के लेवल निकाल सकते हैं। तो अब आपको ओपन इंटरेस्ट से हमें क्या पता चलेगा और ओपन इंटरेस्ट का किस तरीके से यूज करना है ये समझ आ गया है। तो यहाँ पर दूसरी चीज जो हमें देखने को मिल रही है वो है चेंज इन ओपन इंटरेस्ट। अब ये जो ओपन इंटरेस्ट है वो एक बार क्रिएट हो गया तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो चेंज नहीं हो सकता। अब इसके बाद हो सकता है कि और भी बहुत सारे ऑप्शन सेलर्स ऑप्शन सेल करें, ऑप्शन बायर्स बाय करें, तो इससे और ज्यादा ओपन इंटरेस्ट क्रिएट हो सकता है और ज्यादा कॉन्ट्रैक्ट क्रिएट हो सकते हैं। और जब मार्केट ओपन होता है ना, उस टाइम पर एक मिनट में कई हजार ओपन इंटरेस्ट क्रिएट होते हैं और कई हजार कॉन्ट्रैक्ट वाइंड अप होते हैं, तो ओपन इंटरेस्ट कम भी होता है, यानी ओपन इंटरेस्ट चेंज होता है। तो वही जो चेंज है वो हमें यहां पर देखने को मिलता है। तो अगर मान लो किसी स्ट्राइक प्राइस पर जो पुट का ओपन इंटरेस्ट है वो बढ़ रहा है, तो इसका मतलब है कि जो सेलर्स हैं उनका कॉन्फिडेंस बढ़ रहा है कि मार्केट इससे ज्यादा नीचे नहीं जाएगा, इस वजह से वो यहां पर और ज्यादा ओपन इंटरेस्ट क्रिएट कर रहे हैं, यानी और ज्यादा पैसा लगा रहे हैं, मतलब और ज्यादा ऑप्शन सेल कर रहे हैं। तो जैसे यहां पर आप देख सकते हैं कि जो हमारा 19,350 का पुट ऑप्शन है, यहां पर 66,000 ओपन इंटरेस्ट बढ़ गया है, जबकि इसके कंपैरिजन में 19,350 की जो कॉल साइड है वहां पर 5,000 ओपन इंटरेस्ट घटा है। तो इसका मतलब है कि जो सेलर्स हैं उन्हें लगता है कि मार्केट 350 का लेवल भी क्रॉस नहीं कर पाएगा, इसलिए वो यहां पर भी ओपन इंटरेस्ट क्रिएट कर रहे हैं। और इसके साथ ही यहां पर आप देखें कि जो हमारा 19,300 का पुट ऑप्शन है, यहां पर तो 113,825 का ओपन इंटरेस्ट बढ़ा है, तो इसका सीधा सा मतलब है कि यहां पर सेलर्स बहुत ही ज्यादा कॉन्फिडेंस हैं कि मार्केट इससे ज्यादा नीचे तो जाएगा ही नहीं। तो ये एक और पॉजिटिव सिग्नल है कि अगर सेलर्स किसी जगह पर और ज्यादा ऑप्शन सेल कर रहे हैं, तो इसका मतलब है कि अगर वो पुट वाली साइड है तो वो हमारे लिए एक सपोर्ट की तरह काम करेगी। और अगर हम कॉल के पर्सपेक्टिव से देखें, तो यहां पर आप देख सकते हैं कि 19,600 की स्ट्राइक प्राइस पे जो हमारा चेंज इन ओपन इंटरेस्ट है वो 46,000 का है, जबकि इसके कंपैरिजन में जो पुट वाली साइड है उस पर सिर्फ 4,621 का ही ओपन इंटरेस्ट बढ़ा है। तो इसका मतलब है कि ये जो 19,600 है ये हमारे लिए एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस की तरह काम कर सकता है। तो इस तरीके से हमें थोड़ी और इन्फॉर्मेशन मिल सकती है कि सेलर्स मार्केट को किस तरफ ले जाना चाह रहे हैं। अगर आप ट्रेडिंग करने के लिए डीमैट अकाउंट खुलवाना चाहते हैं, तो कुछ अच्छे डीमैट अकाउंट्स के लिंक हमने आपको डिस्क्रिप्शन पे दिए हैं, तो एक बार डिस्क्रिप्शन जरूर चेक कर लीजिएगा। अब इसके बाद जो नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन यहाँ पर आपको देखने को मिल रही है वो है वॉल्यूम। वॉल्यूम आपको ये बताता है कि टोटल कितनी ट्रेडिंग एक पर्टिकुलर स्ट्राइक प्राइस पे हो रही है। यहाँ पर आपको बता दूं कि जो ओपन इंटरेस्ट है वो घटता भी है, जैसे यहाँ पर आपको माइनस में ओपन इंटरेस्ट दिखाई दे रहा है, लेकिन जो वॉल्यूम है वो सिर्फ बढ़ता है, क्योंकि अगर एक स्टॉक में ट्रेडिंग हो रही है तो वो पॉजिटिव में ही होगी, नेगेटिव में नहीं हो सकती है। तो वॉल्यूम हमेशा बढ़ता है, और वॉल्यूम आपको ये बता रहा है कि कितनी ज्यादा ट्रेडिंग एक पर्टिकुलर स्ट्राइक प्राइस में हो रही है। इसके बाद जो नेक्स्ट डेटा आपको देखने को मिल रहा है वो है इंप्लाइड वॉलेटिलिटी। इंप्लाइड वॉलेटिलिटी हमें बताता है कि एक पर्टिकुलर स्ट्राइक प्राइस पर कितनी तेजी से मूवमेंट आ सकता है, यानी कितनी तेजी से उसकी जो प्राइस है वो बढ़ और घट सकती है।
तो जितनी ज़्यादा एक पर्टिकुलर स्ट्राइक प्राइस की इम्प्लाइड वॉलिटिलिटी होगी तो उतनी ही ज़्यादा उसका जो ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट है उसकी प्राइस तेज़ी से बढ़ेगी और घटेगी। इम्प्लाइड वॉलिटिलिटी के बाद आपको जो डेटा देखने को मिल रहा है वो उतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। यहाँ पर ये जो LTP है इससे हमें पता चलता है कि अभी उस पर्टिकुलर ऑप्शन की प्राइस कितनी चल रही है, उसमें कितना चेंज आया है, अभी कितनी क्वांटिटी के बिड यहाँ पर लगे हुए हैं। इसके बाद नेक्स्ट है बिड प्राइस, यानी उस पर्टिकुलर ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट की कितनी बिड प्राइस लगाई जा रही है। आस्क प्राइस क्या है, यानी कितनी प्राइस लोग मांग रहे हैं। और उसके बाद लास्ट है आस्क क्वांटिटी, यानी कितनी क्वांटिटी में यहाँ पर अभी ट्रेड चल रहा है। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन यहाँ पर आपको देखने को मिलती है। अब यहाँ पर ये जो ओपन इंटरेस्ट है ना, इसका यूज करके आप एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रेशियो PCR रेशियो यानी पुट कॉल रेशियो निकाल सकते हैं, जिससे भी हमें काफी इन्फॉर्मेशन मिल सकती है। तो चलिए वो कैसे निकालना है ये भी समझ लेते हैं। तो पुट कॉल रेशियो निकालने के लिए आपको जो पुट वाली साइड में टोटल ओपन इंटरेस्ट है उसको कॉल वाली साइड के टोटल ओपन इंटरेस्ट से डिवाइड करना होता है। तो यहाँ पर आपको पुट का टोटल ओपन इंटरेस्ट देखने को मिल रहा है, तो आपने इसको कॉल का जो टोटल ओपन इंटरेस्ट है उससे डिवाइड करना है। तो यहाँ पर हमें कॉल का टोटल ओपन इंटरेस्ट देखने को मिल रहा है, तो इससे हम पुट के टोटल ओपन इंटरेस्ट को डिवाइड कर देंगे। तो जैसे हम डिवाइड कर रहे हैं तो यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है ये 1.21 निकल के आ रहा है। अब इसका मतलब क्या है चलिए वो भी समझ लेते हैं। अब PCR रेशियो निकालने के बाद अगर आपके पास जो रिजल्ट निकल कर आता है वो 1 से लेकर 1.3 के बीच में है, तो आप ये मान के चल सकते हैं कि मार्केट अभी अपसाइड की तरफ जा रहा है और हो सकता है कि मार्केट अभी आगे ही बढ़ता रहेगा। लेकिन अगर वो 1.3 से ज्यादा हो जाता है तो हिस्टोरिकली ये देखा गया है कि जब भी PCR रेशियो 1.3 से ज्यादा जाता है तो वहां से ट्रेंड रिवर्स होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। मतलब अगर मार्केट अप ट्रेंड में है तो वो डाउन ट्रेंड में आ सकता है। और ऐसे ही अगर PCR रेशियो 0.7 से लेकर 1 के बीच में निकल कर आता है तो ये माना जाता है कि मार्केट अभी नीचे गिर रहा है और हो सकता है कि आगे भी नीचे गिरता रहे। लेकिन अगर PCR रेशियो 0.7 से और कम हो जाता है, मतलब 0.6 या 0.5 आ जाता है, तो फिर यहां से ट्रेंड रिवर्स होने के चांसेस होते हैं। मतलब अगर मार्केट गिर रहा है तो यहां से बढ़ सकता है। अब अभी हमने जो कैलकुलेशन करके PCR रेशियो निकाला है वो 1.21 का निकल कर आया है। तो यहां पर आपने कमेंट करके बताना है कि अभी PCR रेशियो के हिसाब से मार्केट बुलिश है या फिर बेयरिश है। वैसे क्या आप जानते हैं कि इससे पहले हम कैंडलस्टिक पैटर्न के ऊपर एक बिल्कुल फ्री कोर्स बनाकर YouTube में अपलोड कर चुके हैं, जिसको लोग हजारों रुपए में बेचते हैं वो हम आपको बिल्कुल फ्री में प्रोवाइड कर रहे हैं। तो उस प्लेलिस्ट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, या फिर आप YouTube में कैंडलस्टिक पैटर्न नीरज जोशी प्लेलिस्ट लिखकर भी सर्च कर सकते हैं और इस वाली प्लेलिस्ट को देख सकते हैं। अब जब आपको NSE की वेबसाइट में ऑप्शन चेन को एनालाइज करना आ गया है तो यहाँ पर मैं आपको एक और ऐसी वेबसाइट बता देता हूँ जहाँ पर भी आप ये डेटा देख सकते हैं और वहाँ पर आपको ज़्यादा इजीली ये डेटा नज़र आ सकता है। तो ये वेबसाइट है सेंसिबल की। क्लियर कर दूँ कि ये स्पॉन्सर्ड नहीं है, मैं खुद यूज़ करता हूँ इसलिए आपको बता रहा हूँ। तो सेंसिबल की वेबसाइट में जाने के बाद जब आप नीचे जाएंगे तो यहाँ पर आपको एक एडवांस टूल का ऑप्शन देखने को मिलेगा। एडवांस टूल में आपको यहाँ पर ऑप्शन चेन तो देखने को मिलती ही है, लेकिन इसके साथ ही यहाँ पर आपको एक ओपन इंटरेस्ट एनालिसिस का एक ऑप्शन देखने को मिलता है। तो जैसे ही आप इस ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो यहां पर आपको ऊपर ही PCR रेशियो देखने को मिल रहा है। इसके साथ ही आपको जो ओपन इंटरेस्ट का कंपैरिजन है वो भी यहां पर आपको चार्ट की फॉर्म में देखने को मिल रहा है। तो यहां पर आप देख सकते हैं कि 19,300 की स्ट्राइक प्राइस पे जो पुट का ओपन इंटरेस्ट है वो बहुत ज्यादा है और जो कॉल का ओपन इंटरेस्ट है वो कम हो रहा है। यहां पर जो पुट है उसको ग्रीन कलर में दिखाया जा रहा है क्योंकि आपको पता है कि ये डेटा हमें सेलर्स के पर्सपेक्टिव से देखने को मिलता है। तो ये जो 19,300 है ये हमारे लिए एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट की तरह काम करेगा क्योंकि यहां पर पुट का ओपन इंटरेस्ट बढ़ा है जबकि कॉल का ओपन इंटरेस्ट घटा है। इसके बाद अगर हम ये पता करना चाहें कि कहां पर हमें ज्यादा कॉल का ओपन इंटरेस्ट देखने को मिल रहा है तो वो सबसे ज्यादा हमें यहां पर देखने को मिल रहा है जो कि है 19,600 पे। हमने NSE की वेबसाइट में भी देखा था कि 19,600 पे ही हमें सबसे ज्यादा कॉल का ओपन इंटरेस्ट देखने को मिल रहा था। तो वो आप देख सकते हैं कि ये वाला जो पॉइंट है ये हमारे लिए एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस की तरह काम करेगा। तो दोस्तों इस तरीके से आप ऑप्शन चेन एनालिसिस कर सकते हैं। मैं उम्मीद करता हूं आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। अगर इस वीडियो में 10,000 लाइक आ जाते हैं तो हम इसका नेक्स्ट पार्ट भी अपलोड कर देंगे, तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। इसके अलावा जो क्वेश्चन हमने आपसे पूछा है उसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में जरूर देना है। इसके साथ ही अगर आप फ्री और बेस्ट डीमैट अकाउंट खुलवाना चाहते हैं, हमारी बुक बाय करना चाहते हैं, हमारा बिल्कुल बेसिक से एडवांस तक का स्टॉक मार्केट कोर्स बाय करना चाहते हैं, या फिर अगर आप हमें इंस्टाग्राम या टेलीग्राम पे फॉलो करना चाहते हैं, तो सभी चीजों का लिंक डिस्क्रिप्शन पे दिया गया है, तो डिस्क्रिप्शन जरूर चेक कर लीजिएगा। और इस तरीके की और वीडियोस देखने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। धन्यवाद।